बायोसिंथेटिक फेज। देखिए डिटेल पाथवे जितने भी इसमें रिएक्शन होते हैं और वो कौन कौन से स्टेप हैं जिसके थ्रू लास्ट में फूड बनता है, इसको डिटेल में डिस्कवर करने का काम किया था कैल्विन ने, तो इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइकिल, या फिर हम इसे कह सकते हैं C3 साइकिल। इस साइकिल में लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट ATP और NADPH2 यूज होता है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसे रिड्यूस करते हैं और फूड बनता है। कैसे होगा ये देखिए, देखिए स्ट्रोमा, स्ट्रोमा वो प्लेस है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से स्ट्रोमा में आता है, राइट। अब स्ट्रोमा में डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करते हैं। देखिए यहाँ पर एक शुगर है, 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर, इसे हम कहेंगे रिबुलोज बिसफास्फेट, कंटेन 5 कार्बन। दिस 5 कार्बन RUBP रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है। इट रिएक्ट विथ फॉर्म फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, PGA, इसे कहते हैं फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। अब देखिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। एक ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए इसके 6 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, RUBP के भी 6 मॉलिक्यूल यूज होते हैं। व्हेन 6 मॉलिक्यूल ऑफ RUBP रिएक्ट विद 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इट फॉर्म 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रिएक्ट विथ ATP एंड गेट फॉस्फोरिलेटेड। ATP में एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाता है और ATP गेट कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। ट्राईफॉस्फेट, इसमें 3 फॉस्फेट थे, कन्वर्ट हो गया ये ADP में 2 फॉस्फेट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरीनडिहाइड के साथ अटैच हो जाता है। जब इसका एक फॉस्फेट इसके साथ अटैच हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में, राइट। अब यहाँ पर इसके 12 मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है और इसके भी 12 मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ BPGA का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए जब फर्स्ट स्टेप में RUBP कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करता है, सो 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज RUBP, इसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन एक्सेप्टर और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इस फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बन रहा है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इसमें 3 कार्बन है और एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो बिकॉज फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 कार्बन कंटेनिंग है, इसलिए इस साइकिल को हम कहते हैं C3 साइकिल। अब देखिए आगे क्या होना है। सबसे पहला स्टेप जब कार्बन डाइऑक्साइड RUBP से रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन, मीन्स कार्बोक्सिलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन इन विच कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड और रिएक्ट विथ RUBP टू फॉर्म फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्दर रिएक्ट विथ ATP टू फॉर्म विथ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये देखिए इन दिस स्टेप यहाँ पर इसका फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में रिलीज कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेप में इसका फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के फॉर्म में बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये फिर से ठीक इसी स्टेप में रिड्यूसिंग पावर NADPH+ प्रोटॉन, ये इसके साथ रिएक्ट करता है और खुद NADP+ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर इसका रिडक्शन होता है और जब इसका रिडक्शन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोग्लिसरिनडिहाइड में। यहाँ इसका
12 मॉलिक्यूल्स बनता है और यहाँ पर भी इसका 12 मॉलिक्यूल होता है। तो जैसा आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप इसका कार्बोक्सिलेशन और सेकेंड स्टेप में फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का एटीपी से रिएक्शन होता है एंड देन इसका रिडक्शन होता है। तो फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन एंड सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन में सिर्फ ये दो स्टेप नहीं और भी बहुत सारे स्टेप हैं। इसमें देखिए ये 12 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के। अब इसके कुछ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शन प्रोवाइड करते हैं और कुछ उसी में से कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं दैट फॉर्म शुगर। तो फास्फोग्लिसरिक एसिड से लेके फॉर्मेशन ऑफ शुगर ग्लूकोज या फ्रक्टोज उसे हम कहते हैं रिडक्टिव प्रोसेस और ग्लिसरॉल रिवर्सल। अब इसमें 12 मॉलिक्यूल्स में केवल 2 PGAL के मॉलिक्यूल अल्टीमेटली यूज होते हैं ग्लूकोज बनाने में और बाकी बचते हैं जो मॉलिक्यूल्स अप्रॉक्सीमेटली 10 मॉलिक्यूल्स एग्जैक्टली 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड और ये दोबारा डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस के थ्रू RUBP बनाते हैं। RUBP एक कोई एक स्टेप प्रोसेस नहीं, इसमें ढेर सारे स्टेप होते हैं। RUBP के ठीक पहले 6 मॉलिक्यूल ऑफ रिबुलोज बिसफॉस्फेट नॉट बिसफॉस्फेट मोनोफॉस्फेट बनता है सबसे पहले। फिर यहाँ पर ATP रिएक्ट करता है और फिर ये ADP बनता है, ठीक है ना। तो एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसे कहते हैं हम C3 साइकिल। अब देखिए फर्स्ट स्टेप इज कार्बोक्सिलेशन, सेकंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन में फूड बन रहा है PGA, 2-3 रिएक्शन इधर आगे देख रहे हैं आप, अभी हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे कौन कौन से रिएक्शन है। और रिमेनिंग फास्फोग्लिसरल्डिहाइड जो बच रहा है, इस फास्फोग्लिसरल्डिहाइड फिर से कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली RUBP में, तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। दिस इज फर्स्ट स्टेप एंड रिडक्शन, सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन और थर्ड स्टेप है रीजनरेशन। ओवरऑल जितना भी फूड के बनाने का सिस्टम है, जितने भी रिएक्शन है, सबको हम 3 स्टेप में डिवाइड कर लेंगे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। और सबसे पहले पढ़ेंगे कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन कैसे हो रहा है देखिए, इसमें 5 कार्बन है, ये शुगर है, देखिए रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट इसके 6 मॉलिक्यूल यूज हो रहे थे। इट रिएक्ट विथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें 5 कार्बन है और इसमें 1 कार्बन है। इसका कार्बन स्केटर देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट कार्बन एसोसिएटेड विद फॉस्फेट एंड लास्ट 6th कार्बन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद फॉस्फेट। अब देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ एसोसिएट हो जाता है और फिर ये बन जाएगा, कितने मॉलिक्यूल बनने चाहिए अगर ये इसके साथ एसोसिएट हो जाए। इसमें ऑलरेडी 5 कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी 1 कार्बन है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा तो कितना कार्बन बनना चाहिए, 6 कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए एक फास्फेट यहाँ था, अब ये फास्फेट यहाँ आ जाएगा, इस तरीके का मॉलिक्यूल बनना चाहिए। तो ऐसा मॉलिक्यूल कुछ लोगों ने बताया, एक्सपेरिमेंटली कुछ लोगों को ऐसा सजेस्ट किया कुछ लोगों ने कि 6 कार्बन कंपाउंड बनता है और ये रियल है कि इसमें 6 कार्बन कंपाउंड बनने चाहिए और ये बनता है। बट दिस 6 कार्बन कंपाउंड इज हाईली लेबाइल मीन्स अनस्टेबल, तो इसमें स्टेबल ना होने की वजह से इज जस्ट स्प्लिटेड इंटू 2 फ्रैगमेंट्स, 2 मॉलिक्यूल। और ये जो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल, उसमें हर एक मॉलिक्यूल में
कितने कार्बन होंगे? थ्री। इसका मतलब ये हुआ जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसमें थ्री मॉलिक्यूल है। तो जब इसका एक मॉलिक्यूल यूज किया ये, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल यूज किया, तो इसमें हम देख रहे हैं दो थ्री कार्बन कंपाउंड बन रहे हैं। लेकिन अगर इसका हम सिक्स और सिक्स मॉलिक्यूल यूज करें तो इसका मतलब इसके 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है ना। और इस स्टेप में वाटर की भी ज़रूरत होती है। अब देखिए प्लस वाटर, और ये बन गया 12 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोग्लिसरिक एसिड, और इस स्टेप को हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम, जिसे हम रुबिस्को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को, इट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, रुबिस्को। ये देखिए मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है। इस एंजाइम की खास बात यह है कि यह कार्बोक्सिलेशन कराता है, और कार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो ये ऑक्सीजनेशन भी करा सकता है। मीन्स दिस एंजाइम नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोक्सिलेशन ऑल्सो कैन प्रोमोट और कैटेलाइज ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन। अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सफिशियंट है तो कार्बन डाइऑक्साइड आरयूबीपी के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को एंजाइम, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन कंबाइंड होगा आरयूबीपी के साथ बाय द एक्टिविटी ऑफ द सेम एंजाइम। कहने का मतलब ये हुआ दिस एंजाइम वी हैव एज अ ड्यूअल नेचर, कार्बोक्सीजनेशन मीन्स एक्ट एज ए कार्बोक्सिलेज एंजाइम एंड एज वेल एज ऑक्सीजिनेज एंजाइम। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को एसोसिएट कराएगा व्हेन एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, देन C3 साइकिल विल बी ऑपरेट एंड फॉर्म ग्लूकोज, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इट कैन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन से कंबाइंड होगा ये आरयूबीपी देन C3 साइकिल कैन नॉट ऑपरेट, तो तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा और फूड नहीं बनेगा, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रुबिस्को एंजाइम इस रिएक्शन को कराता है और डुअल नेचर का होता है। ये नेचर इसलिए इम्पोर्टेंट है आपको नोट करना, क्योंकि इस नेचर की वजह से ही इसमें एक नया अडाप्टेशन आया है जिसे हम कहते हैं C4 साइकिल, जो हम आगे पढ़ेंगे, लाइक C3 साइकिल है ना, एक दूसरा साइकिल दैट इज C4 साइकिल। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब क्या करना है, देखिए RUBP फर्स्ट रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट विथ टू फॉर्म 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। चलो आगे देखते हैं अब क्या करना है। ये था फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन। अब देखिए सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में देख रहे हैं आप यहां पर ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद रखो जब भी किसी रिएक्शन में ATP यूज होता है तो वहाँ पे फास्फेट को ट्रांसफ़र ज़रूर करते हैं, और जब ट्रांसफ़र होगा तो इसमें एंजाइम होता है ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज क्लास का एंजाइम है दैट इज काइनेज। इस एंजाइम को हम कहते हैं काइनेज। ये देखिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो एंजाइम होगा कौन होगा, वो काइनेज, काइनेज ग्रुप का एंजाइम है ये, और ठीक ये हो जाएगा 12 मॉलिक्यूल ऑफ बिस फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। ये देखिए, और जो ATP है बिकॉज इसका फॉस्फेट रिलीज हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। ये काइनेज एंजाइम है, ये बिस्फास्फोग्लिसरिक एसिड है, दिस इज 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP, ये काइनेज एंजाइम है। देखिए बताइए ये ATP कहाँ से आ रहा है, ये ATP जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, दैट कम फ्रॉम लाइट रिएक्शन
फ्रॉम ग्राना। इस रिएक्शन में ये एक्टिवेट होता है, इसे एनर्जी मिलती है और इसमें फास्फेट आ जाता है, ठीक है ना। इट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन के बाद रिडक्शन हम यहीं से कंसिडर करते हैं। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप में देखिए NADPH, अब ये मॉलिक्यूल हो गया एज ए सबस्ट्रेट। इस रिएक्शन में देखिए ये देखिए रिड्यूसिंग पावर NADPH प्लस प्रोटॉन, इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन है। ये एसिडिक ग्रुप होता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसमें ऐड किए जाते हैं तो ठीक इसी समय वाटर यूज किया जाता है और इसका जो एक्स्ट्रा फास्फेट है उसे इनऑर्गेनिक फास्फेट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है फ्रॉम NADPH तो ये कन्वर्ट हो जाता है NADP+ में और ये रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिलहाइड में, फॉस्फोग्लिसरिलहाइड में। यहाँ NADPH के 12 और प्लस वाटर के भी 12 मॉलिक्यूल की आवश्यकता है यहाँ पर, और ये हो जाता है 12 मॉलिक्यूल। अब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं जो आप देख रहे हैं 12 मॉलिक्यूल्स, अब फूड बनाने में ज़रूरत है 6 कार्बन की और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में है 3 कार्बन। इसका मतलब ये है कि इसका कोई दो मॉलिक्यूल सफिशियंट है टू फॉर्म ग्लूकोज और हेक्सोज शुगर। अब इसमें डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं और वो रिएक्शंस बहुत सारे इंटरमीडिएट्स आएंगे उसमें, उस फिर उसमें 4 कार्बन कंपाउंड बनेगा, फिर 5 कार्बन कंपाउंड एंड 7 कार्बन कंपाउंड आर ऑल्सो फॉर्म्ड, और फिर उस ढेर सारे इंटरमीडिएट्स के से होता हुआ फिर अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाता है रिबुलोज मोनोफॉस्फेट में, राइट। अब रिबुलोज मोनोफॉस्फेट ATP के साथ फर्दर रिएक्ट करता है और ये बन जाता है RUBP में, और इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। देखिए फॉस्फोग्लिसरिलहाइड इसका एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, मीन्स दो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ ईच अदर, और जब ये एसोसिएट हो जाते हैं तो सबसे पहले बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फॉस्फोग्लिसरिलहाइड में जो सबसे पहले बनता है हेक्सोज शुगर, वो हेक्सोज शुगर है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। इसका डीफॉस्फोरिलेशन होगा, इस बीच फास्फेट से एक फास्फेट रिलीज किया जाएगा और ये फ्रक्टोज फास्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर इसका आइसोमराइजेशन करेंगे एंड इट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, राइट। अब लास्ट में सबसे लास्ट स्टेप है इसका रीजनरेशन। थर्ड स्टेप ऑफ डार्क रिएक्शन, रीजनरेशन ऑफ लाइट RUBP। ये देखिए अभी आपने देखा कि 12 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिलहाइड के यहाँ पर बने हुए थे, इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होते हैं करते हैं और शुगर बनता है हेक्सो शुगर, और बाकी के 10 मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के इंटरमीडिएट बनाते हैं। ये देखिए 4 कार्बन कंपाउंड जो बनता है उसे हम कहते हैं एरिथ्रोज। एंड ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू 7 कार्बन कंपाउंड, इसे हम कहते हैं सीडोहेप्टुलोज। एंड देन दिस 7 कार्बन कंपाउंड अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू 5 कार्बन कंपाउंड
और इसे हम कहेंगे रिबुलोज मोनोफॉस्फेट। और रिबुलोज मोनोफॉस्फेट के बाद आप जानते हैं इट रिएक्ट विथ 6 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एंड अल्टीमेटली कन्वर्टेड टू आरयूबीपी। ये नोटिस करने के लिए ज़रूरी है एर्थ्रोज 4 फॉस्फेट या एर्थ्रोज फॉस्फेट एंड सीडोहेप्टुलोज। आपसे पूछा जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड कौन है ड्यूरिंग रीजनरेशन या फिर 7 कार्बन कंपाउंड, राइट। बाकी ये फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये जैसा आप देख रहे हैं 7 कार्बन 4 कार्बन 7 कार्बन 5 कार्बन, ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेप में होता है। एक्चुअली इसके जो 10 मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन देते हैं और इंटरमीडिएट्स के फॉर्म में ये सब बनते हैं, ओके। बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज एरिथ्रोज सीडोहेप्टुलोज राइट एंड रिबुलोज, ओके। तो आपको नोट करने की ज़रूरत है सीडोहेप्टुलोज एंड एरिथ्रोज फॉस्फेट। राइट तो इस तरीके से डार्क रिएक्शन होगा। आप देखिए डिस्कवरी अबाउट डिस्कवरी ऑफ डार्क रिएक्शन। देखिए हम यूज करते हैं टेक्निक रेडियो ट्रेसर टेक्निक। देखिए वो टेक्निक है रेडियो ट्रेसर टेक्निक जिसके थ्रू कैल्विन ने C3 साइकिल को डिस्कवर किया और ये बताया कि कौन कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के फॉर्म में लेना है जो कैल्विन ने लिया, दैट वाज कार्बन 14। कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हम जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को प्रोवाइड करेंगे उसको दिया जाएगा कार्बन 14। जब कार्बन 14 दिया जाएगा तो वो जितने भी मॉलिक्यूल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड से बनाएगा उस मॉलिक्यूल में कार्बन 14 होगा। अब क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को प्लांट सेल में हम ट्रेस कर सकते हैं बाय यूजिंग रेडियो ऑटो रेडियोग्राफी, ओके। तो हम इस एक ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को देंगे जिसमें रेडियो एक्टिव कार्बन हो। आप देखिए जिस ऑर्गेनिज्म पर, जिस स्पेसिमेन पर हम एक्सपेरिमेंट करना है, कैल्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया था यूनिसेलुलर एल्गा जिसे हम कहते हैं क्लोरेला। ये यूनिसेलुलर होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए अच्छा है। इस सेल में सब एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है कप शेप्ड और वो काफ़ी बड़ा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ग्रीन एल्गा है तो इसमें क्लोरोफिल का कंटेंट और दूसरे जो पिगमेंट्स होते हैं वो हायर प्लांट से मैच करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो यूकैरियोटिक या हायर प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल सिमिलर होगा। तो कहने का मतलब इसकी स्टडी जस्ट इक्विवेलेंट टू द स्टडी ऑफ हायर प्लांट्स। तो इसलिए एक क्लोरेला की स्टडी करते हैं। सबसे पहले क्लोरेला को कल्चर कर लिया गया। अब कल्चर करने के बाद इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ये क्लोरेला के सेल हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन देंगे उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कार्बन 14 है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब इसे हम देंगे तो इसको हम आयन के फॉर्म में देते हैं। कैल्विन ने जिस कार्बन डाइऑक्साइड को दिया वो था सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट में उन्होंने यूज़ किया था 14। जब इसको सॉल्यूशन में देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ये सेल उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो सबसे पहले उन्होंने क्लोरेला को कल्चर किया और फिर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसा दिया जिसमें कार्बन 14 था, रेडियो एक्टिव था। तो सॉल्यूशन में
यानी कि इस वाटर सॉल्यूशन में इसको देने पर जब क्लोरेला यूटिलाइज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो उस कार्बन को रिसीव करेगा जो ऑलरेडी ट्रेस किया गया है बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसकी वजह से थोड़ी देर जस्ट आफ्टर 30 सेकेंड और 1 मिनट इसको सेल को यहाँ से निकालते हैं, पहले इसको लाइट देंगे, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि एक मिनट में या कुछ सेकंड में कुछ रिएक्शन होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले केल्विन ने इसको आफ्टर 1 मिनट किल किया सेल को, सबसे पहले लाइट दिया, फिर बाइकार्बोनेट आयन जिसमें रेडियो एक्टिव था, और उसके बाद इस सेल को किल किया आफ्टर 1 मिनट। फिर 1 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स आते हैं या नहीं, फिर उस सेल से कुछ मॉलिक्यूल्स उन्होंने आइसोलेट किया, और मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करने के लिए उन्होंने जो टेक्निक यूज़ की उसे हम कहते हैं क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन के थ्रू उन्होंने इसके सारे मॉलिक्यूल्स को 1 बाय 1 अलग किया। अब उसमें से मॉलिक्यूल्स की ऑटो रेडियोग्राफी कराई। ऑटो रेडियोग्राफी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ट्रेस करते हैं। अब इन्होंने ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद पता लगाया कि आफ्टर 1 मिनट कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में है, इस कंपाउंड में। अब उस कंपाउंड को बाद में आइसोलेट करके डिस्टिंग्विश किया गया और पता लगाया गया कि वो शुगर है। तो 1 मिनट के बाद उन्होंने किल किया तो अब इन्होंने देखा शुगर, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से आती है उस कार्बन से शुगर बनाया जाता है, मतलब वो कार्बन बिकॉज शुगर में था, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स थे वो उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने क्या किया, अब दूसरे स्टेप में, बिकॉज हम सेल को 1 मिनट में किल करते थे, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट में उसके सारे रिएक्शन हो जाते हैं, तो इसके बाद उन्होंने 30 सेकेंड्स में किल किया। फिर उन्होंने ये सारे स्टेप फॉलो किए, फिर उन्होंने देखा कि ऑटो रेडियोग्राफी करने के बाद कि उसमें जो मॉलिक्यूल था वो 3 कार्बन वाला था, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका मतलब ये हुआ द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड दैट प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ओके, तो केल्विन अलोंग विद वेंसन बोथ क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ C3 साइकिल। ओके, एंड दे ऑल्सो गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क। ओके, सो अब इसके बाद का जो टॉपिक है C3 साइकिल हमने पढ़ा। अब C3 साइकिल में इसके बाद हम पढ़ेंगे C4 साइकिल। C3 साइकिल में जो एंजाइम है रूबिस्को की एक्टिविटी की वजह से, बिकॉज वो दोनों एक्टिविटीज़ को करता है, आप जानते हो ऑक्सीजनेज एज वेल एज कार्बोक्सीजनेज, तो कार्बोक्सीलेज होने की वजह से वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिएक्ट कराता है विद RUBP एज वेल एज ऑक्सीजन। तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेप्टेशन की वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, तो ये C3 साइकिल थोड़ी देर बाद रुक जाती है। अब इस चीज़ को अडाप्ट करने के लिए या ख़त्म करने के लिए इस प्रॉब्लम को प्लांट ने एक नया तरीका अपनाया है, दैट इज C4 साइकिल। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिसमें C4 साइकिल होता है, उसे C4 प्लांट्स कहते हैं। और अबाउट द डिटेल डिस्कशन अबाउट C4 साइकिल विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आप लोग पहले से पढ़ के रेडी रहिएगा अबाउट C4 साइकिल, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके,